हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपने स्किन पर इंस्टेंट ग्लो ला सकते हैं, स्किन को इंस्टेंट वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे हैं, छाइयाँ, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो गए, स्किन बहुत ज़्यादा डल फील कर रही है, ड्राई फील कर रही है, तो ये रेमेडी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस DIY रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कॉफ़ी। आपको कोई भी कॉफ़ी का पाउच लेना है। मैंने यहाँ पर 10 रुपये वाला कॉफ़ी का पाउच लिया। अगर आपको 1 रुपये या 2 रुपये वाला पाउच मिलता है आप वो भी ले सकते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आपको 1.5 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है। कॉफ़ी पाउडर स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल फील कर रही है, डार्क फील कर रही है, तो कॉफ़ी बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लेकर आएगा, स्किन को वाइट एंड ब्राइट बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है शुगर पाउडर। आपको क्या करना है, आपको चीनी को थोड़ा सा क्रश कर लेना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा क्रश कर लेना है। क्रश्ड शुगर लेनी है आपको इसमें, 1.5 चम्मच आप क्रश शुगर ले लीजिए और शुगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच एलोवेरा जेल। आप कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। एलोवेरा जेल स्किन को डीपली क्लीन करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे, झाइयाँ की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। अब आप इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने मिक्स किया ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो इसको फेस पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही फॉर्म में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करनी है 1/2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी अगर आपको सूट नहीं होती है तो आप इसमें चंदन पाउडर, बेसन या फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं, जो भी आपको सूट होता है आप उसे ले लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेस्ट है वो एकदम अच्छे से थोड़ा सा थिक हो गया है और अब हमारी DIY रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, जो आपके फेस पर इजीली अप्लाई हो सके। तो अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फेस पर स्मूथली मसाज करते हुए इस रेमेडी को अच्छे से अप्लाई करना है। जैसे जैसे आप इसे मसाज करेंगे आपके स्किन पर ग्लो आता जाएगा, क्योंकि मसाज करने से क्या होता है कि स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा। साथ ही साथ मसाज करने से आपके स्किन, अगर डेड स्किन हो गई है बहुत ज़्यादा स्किन पर, तो वो भी रिमूव हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की स्मूथली मसाज करनी है। और इस पैक को आप अपने नेक पर, अपने हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई है। अगर आपके नेक पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई है, जैसे बहुत लोगों की नेक बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, धूप के मौसम से टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आपको भी लगता है अगर आपको टैनिंग हो गई है तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इस पैक को सूखने के लिए छोड़ देना और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना। और आप देख सकते हैं कि इसके पहले यूज़ से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और क्लियर नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा शाइनी नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ भी फील कर रही है। तो इस रेमेडी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, शाइनी बनाएगा। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे, झाइयाँ, टैनिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएंगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और स्पॉटलेस स्किन मिलेगी। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।